हेलो एवरी वन सो वेलकम टू अनदर वीडियो सो इन दिस वीडियो विल सी इफ देर इज अ करेंट कैरिंग लूप विच इज प्लेसड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन वट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई दैट लूप ओके लेटस सी तो हमें एक लूप गिवन है पी क्यू आर एस और जो करेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है पी टू क्यू राइट सो द करेंट इज आई और यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर लूप है और पी क्यू की लेंथ है आपकी बी एंड द लेंथ ऑफ आर क्यू इज ए राइट एंड पी क्यू है और आर एस साइड है इस लूप की वो एक्स एक्सिस के अलोंग है यू कैन सी उनके डायरेक्शन इट इज़ अलोंग क्यू आर और पी एस वो ये जो है जो पी एस है प्लेन एक्स जेड वाई और क्यू आर आपका प्लेन विच इज पैरल टू जेड वाई प्लेन उसमें लाइ करता है और ये लूप इज कंस्टेंट टू मूव अबाउट एन एक्सिस

सिमिलरली अगर हम आर एस की बात करें इन आर एस द करेंट इज इन देशन मैग्नेटिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में फॉर्मला तो तो क्या लगाया था आई एल क्रॉस पेड द सेम फॉर्मला जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था और अगर हम क्यू आर की बात करें इस पर जो करेंट है इट इज इन प्लेन विच इज पैरल टू जेड बाय प्लेन तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी इन द पॉजिटिव एक्सडायरेक्शन और पी एस का जो फोर्स होगा दैट विल इन पॉजिटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तो एस पे जो है उस पर फोर्स लग रहा है negative Z direction में. तो इफ यू सी टॉर्क ऑफ एफ वन एंड एफ थ्री अबाउट ऑफ रोटेशन इज जीरो forces, F2 F4. अगर हम इसको विजुलाइज़ करते हैं फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्स अगर हम इसको यहां से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा राइट सो दिखेगा तो आप कह सकते हो कि ये जो दो फोर्सेज होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज फाइन द मैगनी सो यहाँ पे जो एफ टू होगा दैट विल बी आई लेंथ है इसका बी Times magnetic field sine ninety degree, so it will be I B capital B. Similarly, if we talk about F four, it is again I B capital B, right? So both forces ka magnitude same, hai, so they are forming a couple. So we, this F two and F four form a couple. If they are forming a couple. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ टू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिना होगा वो निकालते हैं सो दैट विल बी दिस साइन थीटर राइट तो इसको निकाल लेते हैं एक बार सो दिस डिस्टेंस विल बी आप देख सकते हो कि जो एक्सेस रोटेशन है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द साइड पी क्यू सो ये हो जाएगा हमारा एक्स साइन थीटा सिमिलरली अगर हमें लाइन ऑफ एक्शन निकालना लाइन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F4 एंड द एक्सेस अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है सो दिस कम्स आउट टू बी ए माइनस एक्स थीटा अब इन दोनों फोर्स का जो टॉर्क होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज एफ टू भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एफ फोर भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दोनों का टॉर्क एड अप हो जाएगा तो यहां पे जो टॉर्क आएगा दैट विल बी एफ टू एक्स साइन थीटा प्लस एफ फोर ए माइनस एक्स साइन थीटा सिंस एफ टू एंड एफ फोर द सेम मैग्नीट्यूड तो आप देख सकते हो कि f2 x sin theta will cancel out with f4 x sin theta so this term will get cancel out with this term और हमको मिलता है f4 f4 है हमारा i small b times capital b times a sin theta अब इसको थोड़ा rearrange करते हैं so let us write it like this so i a b times capital b sin theta अब ये जो term हमारे पास आई है this term this term is nothing but the मैग्नेटिका मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप के एरिया मैग्नेटिक डाइपल मूवमेंट एम बी साइन थी और इसको हम लिख सकते हैं एम क्रॉस बी राइट सो ये जो आपको डायरेक्शन नजर आ रही है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपल मूवमेंट So M cross B. Now this magnetic dipole will try to align itself in the direction of the magnetic field. So that is the formula. So rectangular coil ho circular coil ho you have to apply the same formula M cross B. So it's formulas we can find the torque experienced by the current carrying loop. So right. So I hope the concept is clear. So see you in the next video. Thank you.